हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, इस वीडियो में बैंकिंग सेक्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आरबीआई ने जो अपना बैंकों का जो इंश्योरेंस आर्म है उसको जो है कैप यानी लिमिट लगाने की बात कर रही है, 50% से जो है 20% जो है लाने की बात कर रही है। इससे जो है इंश्योरेंस सेक्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा और बैंकिंग सेक्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली जो अमेरिकन बेस्ड मल्टी इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, अपने कुछ बैंकों का जो है रेटिंग जो है अपग्रेड किया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और तीसरा न्यूज है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा QIP के थ्रू 4500 करोड़ रुपीज का जो है कैपिटल रेज करने वाला है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में जो है और भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप सब लोग जो है इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने चैनल बैंकिंग करियर पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को डेफिनेटली यहाँ से मदद मिलेगा। दोस्तों, मैं आप सभी को रियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, स्टडी के लिए मोटिवेट करता हूँ, स्टडी के लिए गाइड करता हूँ। तो आप नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िएगा। और दोस्तों, आप SBI क्लर्क एग्जाम के लिए डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं या 2021 के अपना जितना सर अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए आप डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए। मेमोरी बेस्ड पेपर का आपको लिंक दिया हूँ, और आपको ग्रेडअप का, ग्रीन कार्ड टेस्ट का आपको लिंक दिया हूँ। वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है, मोर देन 420 मॉक है मिनिमम आपको प्राइस में मिल जाएगा। मेमोरी बेस्ड है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर के आप बाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हूँ, बेस्ट क्वालिटी का टेस्ट है तो उसके थ्रू जा सकते हैं, आपके एग्जाम में जो है काफी अच्छा स्कोर होगा। अब दोस्तों, हम लोग इस न्यूज के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोग अच्छे से जो है सुनिएगा, अपने एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देख सकते हैं, ICICI, HDFC, SBI विल हैव टू ऑफलोड ₹1.2 लाख करोड़ इफ RBI कैप स्टेक इन इंश्योरेंस आर्म रिपोर्ट। यानी RBI का एक रिपोर्ट आया है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। जितना सारा अपना पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसका जो है इंश्योरेंस आर्म है। जैसे आपको SBI की बात करूँ तो SBI लाइफ इंश्योरेंस है, HDFC का जो है HDFC लाइफ है। इसमें जो है अभी SBI की बात करें तो SBI लाइफ में SBI का जो है 55% जो है अभी जो है शेयर है। इसको RBI बोल रहा है कि इसको जो है रिड्यूस करके जो है 20% पर लाया जाए। दोस्तों, इससे जो है इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, और भी जो है इंश्योरेंस कंपनी का ग्रोथ होगा। जैसे कि LIC बिजनेसेस जो है बढ़ाएगा, उसके बाद अदर इंश्योरेंस कंपनी है जो अपना कोर बिजनेसेस करेगा, यानी बैंकिंग सेक्टर है ये भी जो है इंश्योरेंस का जो है बिजनेसेस करता है। तो RBI का मानना है कि इसका स्टेक जो है कम कर दिया जाए, बैंकिंग जो है ओनली जो है कोर बैंकिंग पर फोकस करे, इंश्योरेंस का जो बिजनेसेस है उसको जो है कम करके और वो इंश्योरेंस कंपनी जो है बिजनेसेस करे। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बैंकों में जो है अभी NPA बढ़ रहा है, बैंकों का जो है लॉस हो रहा है, तो बैंक जो है एक ही बिजनेसेस पर फोकस करेगा, तो इससे जो है बैंक में और भी जो है बिजनेसेस ग्रो होगा, बैंक जो है ग्रोथ करेगा, तो न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और दूसरा जो है इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो है बेनिफिट है, यानी दोस्तों अगर इसको RBI लागू कर दे रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ रुपी जो है ऑफलोड होगा, और ये बिजनेसेस जो है इंश्योरेंस कंपनी को जो शिफ्ट हो जाएगा। कोटर सिक्योरिटी का रिपोर्ट है, आप सब लोग जो है इस आर्टिकल को जा करके अपने टेलीग्राम से इसको पढ़िएगा। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा और आपका इंग्लिश भी जो है इम्प्रूव होगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर इस आर्टिकल को शेयर करूंगा, आप लोग जो है जरूर जा करके इसको पढ़िएगा। अब दूसरा न्यूज है दोस्तों, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि मॉर्गन स्टैनली जो है अमेरिकन बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है। ये जो अपने बैंकों का रेटिंग है उसको जो है अपग्रेड करता है। तो ये पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और SBI, इसका जो है रेटिंग जो है अच्छा बताया है, यानी जो है यहाँ पर NPA जो है इम्प्रूव हुआ है, बैंक का परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हुआ है और कुछ क्वार्टर से, और इसमें जो है SBI जो है टॉप पब्लिक सेक्टर बैंकों में रहा है। इसका रेटिंग जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। जब ये रेटिंग जो है अपग्रेड करता है तो बैंकों का जो है शेयर जो है और भी जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसने जो है SBI को जो है टॉप पब्लिक सेक्टर बैंक जो है बताया है और इम्प्रूवमेंट हुआ है। और आप सभी को पता है कि SBI जो है कुछ क्वार्टर से जो है काफ़ी अच्छा जो है NPA रिकवरी किया है, सभी बैंकों ने किया है, लेकिन SBI जो है उसमें टॉप रहा है। तो ये भी अच्छा साइन है, बैंकों का जो है ग्रोथ हो रहा है। तीसरा न्यूज है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 4500 करोड़ रुपी जो है अमाउंट जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू जो है ये किया है, रेज किया है। तो दोस्तों, आपको जो है इसमें यही याद रखना है, आपको ये इसमें अमाउंट याद रखना है, और QIP का जो है फुल फॉर्म आपको जो है एब्रिविएशन फॉर्म आपको जो है याद रखना है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट होता है इसका,
आपको जो है एब्रिविएशन आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये आपका 3 न्यू था, अपने एग्जाम में भी पूछा जाएगा और आपको जो है ये जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो है दोस्तों बैंकों का अगर बिजनेसेस जो है इंश्योरेंस सेक्टर में है उसको अगर आरबीआई रिड्यूस करता है तो वो जो है बिजनेसेस जो है अदर इंश्योरेंस कंपनी के पास जो है ट्रांसफर होगा, जैसे LIC हो गया और अदर इंश्योरेंस कंपनी होगा, तो उसमें जो है और भी जो है न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा और बैंक जो अपना कोर बिजनेसेस है उस पर जो है और भी अच्छा से जो है ध्यान देगा, तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है। दूसरा आपको जो है QIP का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, मॉर्गन स्टैनली का जो है रिपोर्ट जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है, तो इससे जो है आने वाले टाइम में जो है और भी जो है बैंकिंग सेक्टर में और इंश्योरेंस सेक्टर में जो है ग्रोथ होगा और न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। तो आप न्यू कैंडिडेट हैं, अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं या आप कुछ दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए 2021 में जो है काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बैंक जो है काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो वैकेंसी जो है डेफिनेटली क्रिएट होगा, वैकेंसी जो है डेफिनेटली आएगा। तो आप सब लोग जो है डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कीजिए, मैं टेस्ट सीरीज आप सभी को जो रिकमेंड किया हूँ उसको जरूर जा करके आप लीजिएगा। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है पूछते रहते हैं कि सर बेस्ट क्वालिटी का कौन सा टेस्ट सीरीज है, तो मैं आप सभी को जो है ग्रेड अप का और प्रैक्टिस मॉक जो है रिकमेंड करता हूँ, लेकिन ग्रेड अप का आप जरूर ले लीजिए, प्रैक्टिस मॉक मेन के लिए आप जरूर लीजिए, आपके जो है सभी एग्जाम जो है क्लियर हो जाएगा। और आप SBI जूनियर एसोसिएट 2021 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग करियर, गॉड ब्लेस यू ऑल।